साथियों, आपके सामने ये मेसी फर्गुसन का मैग्ना ट्रैक सीरीज में 8055 ट्रैक्टर है। इस ट्रैक्टर में क्या खूबियां हैं, क्या खासियतें हैं, ये सारी चीज़ें जानने के लिए हमारे साथ में दीपक उपाध्याय जी होंगे, जो किरावली में श्रीजी मोटर्स के ओनर हैं। उपाध्याय जी, जो मैग्ना ट्रैक ये सीरीज है और ये जो 8055 है, इसके बारे में जरा आप हमें बताएं कि इसमें क्या खासियतें हैं ट्रैक्टर की। ये मैग्ना ट्रैक जो सीरीज है जी, वो स्मार्ट सीरीज है जी। जी, इसमें एरोडायनामिक ये बोनट है, फ्रंट बोनट है एंड में ये एलईडी लाइट है जी। जी, फ्रंट बोनट है, ठीक है ठीक है। आप इसको यहाँ से उठा करके खोल सकते हैं, ये सामने से ही ये कंपनी ओपन ओपन हो जाता है, ये सामने से ओपन हो जाता है जी। जी बिल्कुल, कंपनी ने फार्मर की सुविधा के लिए जी जाली, इसमें यहाँ रेजिस्टर के लिए एक स्पेशल जाली दी हुई है, जिससे कि रेजिस्टर को काफी सेफ्टी मिल सके। हाँ, जो छोटा मोटा कूड़ा करकट है वो, इसके साथ साथ ही यहाँ ये एयर क्लीनर है, वो भी फ्रंट पे दिया हुआ है, ठीक है ठीक है, जिससे कि कोई सफाई करने परेशानी ना आए जी। और इसके साथ ही आप मेरे साथ ये बैटरी देख रहे हैं जी। जी, बैटरी से भी इसमें क्या है कि इसका सामने के लिए बेट रहेगा जी, बेट में भी इसमें बेनिफिट है। और कभी जब ये लीकेज हो जाती है बैटरी, तो उसका जो कलर है वो खराब हो जाता है, इसके लिए भी काफी बेनिफिशियल है जी। ये 50 HP में है, 50 HP 50 HP में है, और इसमें 200 Nm का टॉर्क है, 200 Nm का इसमें टॉर्क है, को एक्स्ट्रा ताकत देता है जी। और इसमें ये इनलाइन पंप है, बॉस की इनलाइन, ये बॉस की इनलाइन पंप है माइको की जी, जी। तीन सिलेंडर में है जी, जी। और इसके ये आप जो डीजल टैंक देख रहे हैं, ये काफी और ट्रैक्टरों से बड़ा है, 65 लीटर का इसमें वो है जी। आप देखिए इसमें जो पैरदान है, जो प्लेटफॉर्म है वो भी चौड़ा है, वो काफी चौड़ा है, और नीचे चढ़ने चढ़ने के लिए बहुत अच्छी सुविधा है। ये इसका जो चौड़ा प्लेटफॉर्म देख रहे हैं जी, जी, हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ही सुविधाजनक है, क्योंकि हमारे कभी कभी जो किसान भाई होते हैं कुछ धोती पहनते हैं, मिडिल में गियर होने से उनके धोती फंस जाती है जी। जी, उसके लिए विशेष सुविधा दी गई है, साइड शिफ्टेड है, और साइड शिफ्टेड गियर है, इससे कि कभी कोई चलाने पर, जैसे आपने कार का गियर देखा होगा मोस्टली साइड में ही रहता है, तो चढ़ जाइए बहुत मतलब अच्छे तरीके से उसको डाला जाता है। ये देखिए, मैं आपको बैठ के दिखा सकता हूँ, ये गियर डालने में बहुत सहूलियत रहती है, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आती, दोनों ही साइड में है जी। ये जो साइड शिफ्टिंग गियर देख रहे हैं जी, जी, इसमें 8 फॉरवर्ड जी और 2 रिवर्स गियर है, 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स गियर मिल जाते हैं ठीक जी, जी। और प्लेटफॉर्म आप मेरे सामने देख रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, पावर स्टीयरिंग है जी, यहाँ पावर स्टीयरिंग से आप ट्रैक्टर काफी स्मूथ चलता है। इसके आप जो इसका बैक साइज देख रहे हैं जी, जी, ये काफी वजन वाला है और हैवी है, और इसमें जो आप मेरे सामने ये लिफ्ट का कैपेसिटी देख रहे हैं वो 1800 kg की है। अच्छा, और इसका जो पीटीओ शाफ्ट का है जी, ये 610 mm का है। अच्छा, 610 mm का है, ये हाइट जो नीचे से ऊपर तक काफी ऊंचाई तक है, आप कोई भी इम्प्लीमेंट लगाना चाहते हो तो मतलब अच्छी तरीके से इसमें आ सकता है। और इसमें आप देख रहे हैं इसमें 16 और 28 के टायर हैं जी, ये पिछला टायर है जो, हाँ ये पिछला टायर है 16 और 28 का है, और इससे क्या है ट्रैक्टर की पावर भी इससे बढ़ती है और हॉलेज के लिए काफी सफिशियंट रहता है ये। अच्छा अच्छा, और आगे का टायर करीब इसमें आगे का टायर है ये 750/16 का है जी, ये 750/16 का, इसकी भी इसकी विड्थ भी काफी इससे बड़ी है और टायरों से, ये इन दोनों टायरों की जो व्हील बेस की वो है, जो व्हील बेस है 2000 mm की, 2000 mm का व्हील बेस है, 2000 mm की, और इसका ग्राउंड क्लियरेंस जी 430 mm का है, मतलब ये अच्छी खासी हाइट किसान भाइयों को बहुत अच्छी है। आप जैसे खेत की मेड़ है या कोई निचला वाला वो मतलब ऊंचा नीचा है, चढ़ाई वढ़ाई पे जो एक खेत से दूसरे खेत में ट्रांसफर होते हैं, बड़े अच्छी से बड़े आसानी से गुजर सकता है जी। जैसे हॉलेज में जब जाते हैं तो लीकेज बन जाती है, तो उसमें लीकेज में बड़े आराम से जा सकता है, कहीं भी आप इसको अच्छी तरीके से ले जा सकते हैं। सबसे ज्यादा बेहतरीन आप इसका सेफ्टी के लिए साइलेंसर देख रहे हैं जी, डिजाइन भी बहुत प्यारा है, बहुत ही उम्दा किस्म का है, और आप मेरे साथ देख रहे हैं इससे किसान भाई अगर साइलेंसर कभी गर्म हो जाता है तो सेफ्टी के लिए इसमें जाली लगी हुई है, उसका हाथ नहीं जलेगा, और लोकेशन तो इसकी बहुत प्यारी है जी। और मैं तो कहता हूँ कि ये मैग्ना ट्रैक जो कंपनी ने लॉन्च किया है बहुत अच्छा, वेरी क्लासिकल ट्रैक्टर है, 1885 के नाम से निकला है, और मैं तो किसान भाइयों से कहूँगा इसको लें
जांचें, परखें।